दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अपने उत्तराखंड के बारे में और कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ये वर्तमान समस्या है, इसका जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ से शुरुआत हुई थी इसका। तो मैं तीन बिंदुओं पर बात करूँगा, जल, जंगल और जमीन। तो ये तीन भागों में मैं बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि भाई इस चीज को आप लोगों को समझा सकूं। तो आज मैं सिर्फ जल के ऊपर ही बात कर रहा हूं। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो नदियों का राज्य भी कह सकते हैं, और यहाँ से बहुत ही जल के जो स्रोत हैं वो निकलते हैं, पूरा हिमालयन रीजन यहाँ है। तो यहाँ से हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, भागीरथी, कई नदियाँ हैं जो बड़ी बड़ी हैं, और इसके अलावा कई छोटी छोटी नदियां भी हैं। तो हमारे जो नेता थे या का यहाँ के कार्य करने वाले थे, तो इन्होंने जब ये उत्तर प्रदेश में था तो हमारे टिहरी डैम एक बहुत बड़ा डैम बनाया, और इस डैम का जो भी उत्पादन था, जिस प्रकार से बिजली और पानी, इसका भी समझौता किया। तो इस डैम को बनाने के लिए उस समय भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन फिर हमारे उत्तराखंड वासियों ने अपनी भलाई के लिए सोचा कि भाई इसमें हमारी भी भलाई है, इस वजह से इस योजना को ज़्यादा विरोध नहीं किया, और एक पुराना शहर टिहरी, बहुत बड़ा शहर था, वो डूब गया, और करीब 125 या 150 लोगों की, गांव की जमीन और गांव इस बांध की चपेट में आए। सिर्फ ये इसलिए कि हमारे उत्तराखंड का कुछ विकास होगा, हमारे उत्तराखंड को बिजली मिलेगी, सिंचाई मिलेगी, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, और हमारे खेतों में हरियाली हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से जल का हमने, हमारी सरकार ने योजना बनाई थी, और हमने इसका विरोध ज़्यादा नहीं किया। लेकिन उस वक्त हम उत्तराखंड जो है एक राज्य नहीं था, वो उत्तर प्रदेश में था। तो जो भी समझौता हुआ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच में हुआ, और इसमें दिल्ली सरकार या हरियाणा, इन सब ने वहाँ की बिजली को इन्होंने सौदा कर लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और पहाड़ के लिए सिर्फ 10% यहाँ का जो बिजली उत्पादन है, 10% के करीब उत्तराखंड एरिया के लिए समझौता हुआ, और जो नहरें बनी, जो यहाँ का पानी था, उसका भी समझौता हुआ, और उत्तराखंड के लिए इस पानी का कोई भी ऐसी योजना नहीं बनी कि जिसके द्वारा हम इस पानी को, जो ये बांध का पानी था, इसका उपयोग कर सकें। और इस प्रकार से हमारे साथ एक किस्म से धोखा हुआ, बिजली भी हमारे उत्तराखंड को नहीं मिली। और जब ये उत्तराखंड हमने 2000 में वापस हमारा अलग राज्य बना, तो उस समय हमने सोचा था कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वो हमारे उत्तराखंड के पक्ष में कुछ इस जल के बारे में सोचेंगे, इस जल से उत्पादित बिजली के बारे में सोचेंगे, और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ अधिकार मांगे अपना, क्योंकि हम ही, हमारा जल है ये और हमारी नदियाँ थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी कंट्री के बारे में, छोटा सा देश है जो कि हमारे उत्तराखंड के बराबर ही इसकी जनसंख्या है, और ऐसा ही पहाड़ी देश है। उस देश का नाम है तजिकिस्तान। वहाँ की थोड़ी सी किस प्रकार से उन्होंने जल का उपयोग कर आज अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, अपने जो देश की उन्नति है वो चरम सीमा तक पहुँचाई, उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। जब 1990 में ये रशिया से अलग हुए थे, ये देश करीब 14-15 देश आजाद हुए थे, तो इनमें से एक तजिकिस्तान भी था, जहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी, यहाँ कोई कल कारखाने नहीं थे, गरीब जनता रहती थी, और ये इस प्रकार से रशिया से ये अलग हुए, यूएसएसआर से। तो इनका यहाँ न कोई बांध था, बिजली की परेशानी थी, और तेल पे ही सारा कुछ डिपेंड था इनका। तो उस वक्त ईरान ने इनका साथ दिया, और ईरान ने इनको कुछ रियायत मूल्य पर तेल का निर्यात करना शुरू किया। इस प्रकार से यहाँ इन्होंने
अपना काम शुरुआत में करवाया। बसें गाड़ियां सब तेल से चलती थी और ईरान ने कुछ सब्सिडी के तौर पे इनको तेल निर्यात करना शुरू किया, लेकिन ये धीरे धीरे उस तेल के पैसे चुकाने में भी असमर्थ होने लग गए। तो फिर ईरान ने दबाव दिया, भाई हम जो है पुराने समझौता हुआ फिर इनके बीच में, उन्होंने कहा कि हम पुराने जो हमारे दर जो तय थी तेल की उस पर अब हम आपको नहीं दे सकते और अब आपको नए समझौते पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और फिर बढ़े हुए तेल के मूल्यों पर ताजिकिस्तान सरकार को मजबूरन में दस्तखत करने पड़े और ये समझौता हुआ कि जो पिछला पैसा भी है वो धीरे धीरे करके ताजिकिस्तान सरकार ईरान का चुकाएगी। लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की सरकार ने कुछ सोचा। उन्होंने कहा कि हमारा जो ये जल है इसमें हम कुछ परियोजनाएं बनाए, तो उन्होंने विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाए, छोटे छोटे बड़े बड़े, और आज एशिया का सबसे ऊंचाई पे बांध यहीं बना हुआ है, सबसे बड़ा बांध है। और उस बांध से बहुत बिजली उत्पादित होने लग गई और इन्होंने जो है कुछ ही वर्षों में यहाँ की बिजली को निर्यात करना शुरू किया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ऐसे देशों को ये बिजली निर्यात करने लग गए, उससे इनके पास पैसे आने लग गए। फिर इन्होंने अपनी बसों को, अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डीजल से या पेट्रोल से जो चलती थी गाड़ियां उनको बिजली में परिवर्तित करी और आज की तारीख में यहाँ मैक्सिमम बसें जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिजली पे चलती हैं। और फिर इन्होंने फिर कुछ ही वर्षों में जो ईरान से तेल आता था उसका निर्यात कम कर दिया और उनके भी पैसे धीरे धीरे चुकाने लग गए। लेकिन जब ईरान को ये लगा कि भाई अब ये तो टोटली डिपेंड हो गए बिजली पे, तो हमारा तेल का जो एक बाजार था वो ख़त्म होने वाला है, तो फिर इन्होंने उन्हें फिर वही पुराने वाले समझौते पे बोला कि आपको हम तेल देंगे और उसी दर पे देंगे, क्योंकि तब तक ताजिकिस्तान ने उनके पिछले पैसे भी चुका दिए थे। इस प्रकार से ये जल ने उनको, जल को सदुपयोग करके बिजली उत्पादित करके सिंचाई के किसी भी प्रकार का जल का इन्होंने दुरुपयोग नहीं होने दिया और आज अपने देश को उस कर्जे से भी मुक्त किया और आज वहाँ की जो GDP रेट है वो करीब 12% है। फिर इन्होंने अपने नागरिकों को भी सुविधाएं दी और आज की तारीख में वहाँ जो जो लोग रह रहे हैं उनको, जो बिल्डिंगों में रह रहे हैं जो थोड़ा पैसे वाले हैं उनको बहुत ही कम रियायत दर पर, मतलब करीब 1 रुपये यूनिट के दर पर ये बिजली सप्लाई करते हैं। और जो ग्रामीण एरिया है, जो गरीब जनता है, उनके लिए करीब 5 पैसे के करीब ये प्रति यूनिट बिजली का दर उन पर लगाते हैं। और यही नहीं, हर घर में गर्म पानी के पाइपलाइन बिछे हुए हैं, वो मुफ्त में दिया जाता है इनको, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी गर्म पानी का इन्होंने सप्लाई करना शुरू किया। प्लांट लगे हुए हैं बिजली के जो गर्म पानी के, और यहाँ से हर घर को, हर गांव को गर्म पानी भी दिया जाता है, क्योंकि ये ठंडी एरिया है, कंट्री जो है ठंड, यहाँ टेम्परेचर कम रहता है। तो इस प्रकार से एक जल से उन्होंने अपने देश के ऊपर जो कर्जा था उसको भी निपटाया और आज वो बिजली का निर्यात कर रहे हैं, उस निर्यात से अपने देश का की उन्नति कर रहे हैं और आज उनकी GDP दर जो है वो 12% के करीब है और वो काफ़ी उन्नति कर रहे हैं और अपने नागरिकों का भी ख्याल रख रहे हैं और अपने देश की उन्नति भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में वहाँ से ज़्यादा नदियाँ हैं, ज़्यादा पानी है, हिमालय हर समय बर्फ़ से ढका रहता है और हम लोग जो वहाँ के नागरिक हैं उसी प्रकार से उस जल का उपयोग करके हम भी एक बहुत ही अच्छा राज्य बना सकते थे। लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं, जो हमारी पार्टियां हैं, जो हमारी सरकारें थी, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में, अपने घर को भरने के लिए सोचा और उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। इस प्रकार से हमें जल जो हमारा अधिकार था उसको छीना गया और उसके जो भी हमें फायदे हो सकते थे आज हम उस जल के फायदे से भी वंचित रह गए। तो मैं आप लोगों को
सभी उत्तराखंड के वासियों को अनुरोध करता हूं कि आप इस बिंदु पे भी सोचें और सरकार से इसकी मांग करें कि हमारे जो अधिकार थे उनको दोबारा दिया जाए। और आजकल जो हम संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे अपने अधिकारों को पाने के लिए, उसमें आप लोग भी सहयोग करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी ये पता चले कि हमें इन लोगों ने किस प्रकार से ठगा है और हम किस प्रकार इन अधिकारों को फिर से दोबारा पाएं। इसके लिए हमें चाहे सड़कों पे आना पड़े, सरकारों से कैसे भी करके हमें इन अधिकारों को वापस लाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैं सभी भाइयों को अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं और लोगों को समझाएं कि असलियत क्या है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। और मैं अब इस वीडियो के बाद एक जल के बाद मैं जंगल के ऊपर बात करूंगा कि जंगल में भी हमें किस प्रकार से यहाँ सरकारों ने किस प्रकार से हमें ठगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड।